દીવમાં પીએચસી ખાતે ક્રોસ ડિસેબિલિટી વર્કશોપ યોજાયો. આ વર્કશોપ દીવ કલેક્ટર ભાનુપ્રભા મેડમની અધ્યક્ષતામાં યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં શાબ્દિક સ્વાગત બાદ દીપ પ્રગટય અને મૈત્રીબેન ભટ્ટ દ્વારા મહેમાનોનું પુષ્પગુચ્છ દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. ત્યારબાદ દીવ કલેક્ટર ભાનુપ્રભા મેડમે આ વર્કશોપમાં ખાસ તાકીદ કરી કે નાની ઉંમરમાં સ્પેશિયલ બાળકોની માનસિક સ્થિતિ કેવી છે તે ખાસ જાણવું અને તેની સારવાર તાત્કાલિક જ કરાવી તેવો ખાસ અનુરોધ કર્યો. ત્યારબાદ આ વર્કશોપમાં ડૉક્ટર વસીમ અહેમદે ડિસેબિલિટી વિશે ખાસ તાલીમ આપી. આ તાલીમમાં પ્રાઇમરી શિક્ષક ભાઈ બહેનો, આંગણવાડી આશા વર્કર બહેનો જોડાયા. મુખ્ય અતિથિ માનનીય જિલ્લાધિકારી ઓર મંચ પર ઉપસ્થિત સભી સન્માનિત અતિથિગણ, સબસે પહેલે તો મેં આભારી હું જિલ્લાધિકારી મહોદયા કા કે ઉન્હોને આજ્ઞા દી, પરમિશન દિયા કે હમ લોગ ઇસ કાર્યક્રમ કો યહાં પે કન્ડક્ટ કર સકે. और निपिट जो है 1984 से देश में जो है दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रहा है और ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. और इसके तीन रीजनल सेंटर्स हैं, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता. सो मुंबई रीजन से हम लोग जो वेस्ट के जो स्टेट्स हैं उनको कैटर करते हैं. और ये कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है जिससे कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी अर्ली एज में पहचान हो सके. और अर्ली एज में पहचान करने के लिए जो आप लोग हैं, एएनएम्स हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, मीन स्पेशल एजुकेटर्स, जनरल एजुकेटर्स, बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं. हमारी सीएचसी कोगला के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सुल्तान, हमारी सीडीपीओ मैडम गायत्री, स्पेशल रिसोर्स पर्सन जो हमारे साथ लिपिट से जुड़े हैं डॉक्टर अहमद साहब, व्योमेश हु लुक्स आफ्टर द सेगमेंट ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन एंड स्पेशल पर्सन इन द यूटी, व्योमेश फ्रॉम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, हमारी यहाँ की डीसीपीयू की टीम, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स, स्पेशल एजुकेटर्स, एएनएम्स और कुछ डॉक्टर्स और स्कूल्स एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो लोग आए हैं, स्पेशली हमारे वात्सल्य स्कूल के डॉक्टर वोरा, श्री वोरा साहब, आरएम की टीम, वी वेलकम यू ऑल टू दिस वर्कशॉप. ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्कशॉप है. यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस पूरी एक्सरसाइज को, आज एक ही दिन का हमने रखा है मॉड्यूल, इसको बहुत अच्छे से करिए. अब आप सबको बताया होगा कि जैसे इन्होंने भी बताया कि छोटी उम्र में स्पेशल बच्चों को कैसे हम पहचान सकते हैं. एंड ये याद ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ना इंटेलेक्चुअल मानसिक स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं. तो जैसे मान लीजिए किसी माँ के लिए ये देखना आसान है कि मेरा बच्चा बैठ नहीं पा रहा है ठीक से, या मेरा बच्चा अपना हाथ नहीं हिला पा रहा है, या वो क्रॉल नहीं कर रहा है, या वो 1.5-2 साल का हो गया मगर वो चल नहीं पा रहा है, ये देखना आसान है, मानिए मेरी बात. बट वो मानसिक तौर पर उसका ग्रोथ कैसा है वो एक मदर के लिए भी जानना मुश्किल होता है. क्योंकि एंड स्पेशली क्या होता है, मदर्स के लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि उनका बच्चा बीमार है. और स्पेशल चाइल्ड होना तो बहुत ही मुश्किल होता है. आप सब ये देख चुके हैं जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, टीचर्स हैं. तो इसलिए इस पूरे आइडेंटिफिकेशन में, बच्चे की पहचान करने में सबसे ज़्यादा रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक्सटेंडेड फैमिली का, और उस फैमिली से भी ज़्यादा आप सब लोगों का जिसके साथ बच्चा इंटरैक्ट करता है घर के बाहर. तो हो सकता है वो आंगनवाड़ी में आ रहा है तो आप देखेंगे कि बाकी सब बच्चे तो ठीक है मगर ये रिस्पॉन्ड थोड़ा स्लो करता है, या ये गुमसुम सा रहता है. जैसे ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो एक ही तरफ देखते ही रहेंगे, और वो वैसे दे आर ऑल हेल्दी फिजिकली, इनफैक्ट दे आर वेरी, मतलब चिल्ड्रन आर वेरी ब्यूटिफुल ऑल्सो. वो दिखने में बहुत अच्छे से गोलू गोलू से होते हैं, हेल्दी होते हैं, वो चलते फिरते भी हैं.
अगर वो ऑटिस्टिक है उसकी पहचान तो 4 या 5 साल में होती है. मैंने अपने करियर में देखा है व्हेन आई वर्क विद देम कि उनको तो पहचान मतलब उनके जो सिम्टम्स आई वुड नॉट से उनकी डिसेबिलिटी को बाहर आने में 5 या 6 साल का बच्चा को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ही इज नॉट एन हेल्दी चाइल्ड. तो तब तक और अब वो इतना सेंसिटिव पीरियड होता है, अगर वो लेट होता गया तो ऑफकोर्स जैसे इन्होंने बताया कि हम जो हेल्प कर सकते हैं वो भी डिले हो जाएगा. तो आप लोगों का रोल यहाँ पे मदर से भी ज़्यादा या पेरेंट्स से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि पेरेंट्स या फैमिली कुछ कई बार सोशल स्टिग्मा के चक्कर में उनको लगता है हम नहीं चाहते हम बाहर वालों को बताएं, हम हमेशा दे विल कीप असर्टिंग कि नहीं हमारा बच्चा तो हेल्दी है, वो बस थोड़ा कमज़ोर है या अभी उसका मूड ठीक नहीं है. बट ये आप लोगों को देखना है कि अगर बच्चा अपनी एज के हिसाब से जो माइलस्टोन्स होते हैं कि जैसे 9वें महीने से लेके 1.25 साल तक बच्चा चलना चाहिए या 1.5 साल तक उसको कुछ कुछ एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, 3 साल तक उसको ये उठाना चाहिए, ऐसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, बोलना चाहिए, अगर वो नहीं बोल रहा है तो आप सबको सबसे पहले फैमिली को बताना है कि मतलब मैं मेरे आंगनवाड़ी में या मेरे स्कूल में 25 बच्चे आते हैं बाकी सब ठीक है, मगर इसमें ये इशू है. एंड हो सकता है पेरेंट्स दे लिव इन अ स्टेट ऑफ डिनाइल, वो हमेशा यही कहेंगे नहीं नहीं घर पे तो ठीक से खेलता है, हम बच्चा नहीं है इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. तो इसलिए आप सबसे मतलब सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर वसीम हु टुक टाइम एंड हु फ्लू डाउन फ्रॉम मुंबई टू डू. अच्छा लगा कि आप स्पेशली आए और आज पूरा दिन आप हमारे तो लाइक ऐसे थियोरी से ज़्यादा जो ये इनकी बिहेवियरल कैसे स्टिमुलेट कर सकते हैं वो बताइएगा. और आपको भी कोशिश करनी है कि ये चीज़ फिर उन पेरेंट्स को उन फैमिलीज को बताएं जहाँ पर ऐसे बच्चे हैं, और उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है. इसमें मतलब मैं वोरा साहब आपकी भी हेल्प लूँगी कि यदि ऐसी फैमिलीज नहीं मानते, आपको भी पता है वो 2-3 साल तक तो मानेंगे नहीं कि ऐसा कुछ है, और वही 2 साल जो हमारे निकल जाते हैं फिर हमारे लिए भी मुश्किल है उस बच्चे को वापस मेन स्ट्रीम में लाना, और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, खर्चा ज़्यादा होता है. और कोशिश करनी है आपकी रूटीन में जहाँ आपको ऐसा बच्चा मिले तो इन सबको रिकॉल करके कि मुझे क्या क्या बताया गया था वैसे ही आप उनके साथ बिहेव करें. नंबर 2, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि थियोरेटिकल मत रखिएगा, प्रैक्टिकली समझाइएगा साहब. एंड थैंक यू टू द TCPU एंड CDPU ऑफिस जिन्होंने इतना अच्छा सेशन प्लान किया.